Hey guys, welcome back to my channel. So I hope you all are having a good time and enjoying life. So guys, आज मैं बहुत ही एक अलग ही वाइब वाला रेस्टोरेंट आपको घुमा के लाने वाली हूँ. So let's explore this place together. चलिए चलते हैं. तो ये है बगीचा फैमिली रेस्टोरेंट और ये एयरपोर्ट रोड के पास में है. सो बेसिकली दिस इज़ अ विलेज थीम बेस्ड रेस्टोरेंट, जैसे कि आपको देख के ही मालूम पड़ गया होगा. तो मैं आपको यहाँ पूरे डिटेल्स में वीडियो मैंने अपलोड किया है ताकि जो भी यहाँ पे जाना चाहता है उसे पहले ही समझ में आ जाए कि वहाँ का व्यू कैसा है. ये सीटिंग एरिया है इंडोर का और पूरा का पूरा मिट्टी वर्क है, लाइक मिट्टी का घर जैसे पहले विलेज में रहा करता था. गांव का जो एक लुक है वो पूरा का पूरा इन्होंने देने की कोशिश की है. बहुत ही प्यारा लग रहा है और वाइब्स ऑफ दिस प्लेस इज़ आल्सो अमेजिंग. इट रियली फील्स लाइक वी आर इन विलेज एरिया, सो एवरीथिंग इज़ सो गुड. और बहुत ही एस्थेटिक काइंड ऑफ लुक उन्होंने क्रिएट किया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है. शाम इवनिंग में पूरा लाइटिंग हो जाती है तो उसका भी अलग लुक है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी कि मॉर्निंग का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से है. सनसेट हो रहा था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और जो नाइट का व्यू है वो तो अल्टीमेट है, दैट इज़ अमेजिंग. सो डे और नाइट दोनों का आपको यहाँ पे लुक मिलेगा कि अगर डे में जाएंगे तो इस टाइप का रहेगा, नाइट में किस तरीके का रहेगा. और बाहर का एरिया है और यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर, फ्रेंड्स गेट टुगेदर, ये सब कर सकते हैं. और जैसा अभी लग रहा है झोपड़ी टाइप का, जैसे ही मैं एंटर हुई मुझे बहुत पसंद आया. ऊपर भी सिटिंग एरिया है और ये नंबर है, आप इस पर कॉल लगा सकते हैं. और यहाँ पे उन्होंने ऐसा ओपन किचन दे रखा है कि जो भी बन रहा आप देख सकते हैं. और ऊपर का एरिया कुछ इस तरीके से है, ऊपर भी बहुत ही सुकून वाला वातावरण आपको मिलेगा. और सनसेट के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था. सो मैंने एक एक चीज़ आप लोगों के लिए कैप्चर किया है और ये कुछ पूरा व्यू है ऊपर से पूरा रेस्टोरेंट का किस तरीके से है और क्या क्या सीटिंग एरिया कहाँ कहाँ पे है. सो आप जहाँ भी एंजॉय करना चाहते हैं वहाँ पे आप बैठ सकते हैं एंड यू कैन स्पेंड योर क्वालिटी टाइम हियर. और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ पे रील्स ले सकते हैं, फ़ोटोशूट्स करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्यूट क्यूट से पॉइंट उन्होंने दे रखा है. उसके बाद हम थक गए थे थोड़ा, तो फिर मैंने सोचा सैंडविच मैंने ऑर्डर किया था, हरा भरा कबाब, चाय, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे. मैं विदाउट अनियन गार्लिक फूड खाती हूँ, सबको पता होगा, तो बिना लहसुन प्याज का उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, तो जो था वही उन्हीं सब चीज़ों से मैंने काम चलाया. फिर मैंने वेट किया, देन हो गई शाम और नाइट का जो लुक था शाम इवनिंग में जब लाइटिंग उन्होंने ऑन कर दिया तो बहुत ही प्यारा लग रहा था. और बीच में ये बोन फायर एरिया है, ठंड में आप सब बैठ के यहाँ पर बोन फायर वो जला देंगे और आप लोग इन्जॉय कर सकते हो. साइड में आप देख रहे हैं बर्थडे पार्टी का सेटअप तैयार हो रहा है. तो या मैंने वहाँ पे बहुत सारे रील्स लिए हैं, शॉर्ट्स लिए हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड किया है, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया, आप जाके देख सकते हैं. और एक बार इस जगह पे आप ज़रूर जाएं, ये शहर से बिल्कुल हटके है, शहर से दूर है, आपको पूरा विलेज वाला लुक मिलेगा. शाम के टाइम, शाम का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जब लाइटिंग हो जाती है जो खूबसूरती डबल हो गई थी वहाँ की. और बहुत ही ज़्यादा हम इन्जॉय कर रहे थे, यहाँ का वाइब सच में बहुत अच्छा. और जब मैं गई, अभी ठंड का मौसम है तो बहुत ही सुकून मिल रहा था इस जगह पे. और जब बोनफायर वो ऑन कर देते होंगे तो और भी मज़ा आता होगा. सो भोपाल में और भोपाल के आसपास बहुत सारे कैफेज़ रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ जहाँ का वाइब मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ के बारे में बताना चाहिए, तो मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ ताकि, क्योंकि मैं जब रील्स या शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ तो बहुत लोगों का डीएम्स आता है कि मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ, तो मैं ब्लॉगिंग करके आप लोगों को उस जगह के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ दे देती हूँ ताकि आप वहाँ पर जा पाएँ, बैठे बैठे आपको समझ में आ जाए कि वहाँ का एक व्यू कैसा है, वहाँ का एम्बियंस कैसा है. सो या गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बगीचा जो विलेज थीम रेस्टोरेंट है वो आपको कैसा लगा.
और वहाँ पे जाइएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि वहाँ का वाइब आपको कैसा लगा। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे, लव यू गाइज, बाय बाय।